अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके लास्ट 4 क्वेश्चंस रहते थे 71 से 74 तक। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, दिस इज़ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे उसमें भी आपने देखा था कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है, किसी भी पॉइंट पर हमने उसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है बाई यूजिंग 3 मैथड्स कह सकते हैं। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, टेबल में कुछ वैल्यूज़ लेकर उस नंबर को अप्रोच करना है जिस पर आपको लिमिट चाहिए। सेकंड पार्ट में हम उसका ग्राफ बनाते हैं, थर्ड पार्ट में फिर हम अलजेब्रिकली लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमें इसकी लिमिट चाहिए माइनस वन पर। तो हम क्या करेंगे, माइनस वन के लेफ्ट और राइट से चंद एक पॉइंट्स लेंगे, उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आपका फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे हम माइनस वन के करीब जा रहे हैं। राइट, सो लेट्स डू इट। आप माइनस वन को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स अप्रोच कर सकते हैं। सो चलिए हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स से पहले हम लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हैं माइनस वन पॉइंट वन। ठीक है, मज़ीद माइनस वन के करीब जाएंगे तो वो वैल्यू हम ले लेंगे माइनस वन पॉइंट ज़ीरो वन। इसी तरह से फर्दर क्लोज जाने के लिए हमें माइनस वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन, फर्दर माइनस वन पॉइंट ज़ीरो 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 वन। जितनी चाहें वैल्यूज़ कोई 5-7 ले सकते हैं आप। चलें हम यहाँ पर एंड करते हैं, 4 0 के बाद फिर 1 आ रहा है। अब इन्हीं नंबर्स पर आपने f एवेल्यूएट करना है। f क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन। तो ये आप इसमें कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सो खैर, माइनस वन पॉइंट वन पर फंक्शन का आंसर आएगा 2.1, माइनस वन पॉइंट ज़ीरो वन पर आएगा 2.01, नेक्स्ट वैल्यू पर आएगा 2.001, देन वी हैव 0001 एंड देन 2.00001। ठीक है, यह अब आपने जब आपने माइनस वन को लेफ्ट से अप्रोच किया था, इसी तरह जब आप माइनस वन को राइट से अप्रोच करेंगे उस केस में हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। लेट्स से माइनस 0.9, देन माइनस 0.99 एंड देन वी हैव माइनस 0.999, माइनस 0.9999। एक और लेनी चाहिए, चल खैर कोई मसला नहीं है। अब इन वैल्यूज़ पर आपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो माइनस 0.9 पे आंसर आ रहा है 1.9, देन नेक्स्ट वैल्यू पर आ रहा है 1.99, माइनस 0.999 पे आ रहा है 1.999 एंड देन वी हैव 1.9999। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ से अप्रोच करने से अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ रहा है वो 2 के करीब जा रहा है। यहाँ पर फाइनली आया था 2.00001, जो कि बहुत करीब है 2 के। इसी तरह जब हमने राइट साइड से अप्रोच किया तो अगेन आंसर आपका आ रहा है 1.9999, जो कि वेरी क्लोज है 2 के। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप 1 के करीब जाएंगे, सॉरी माइनस 1 के करीब जाएंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 के करीब जा रहा है। फंक्शन आपका 2 के अप्रोच कर रहा है। चलें नेक्स्ट पार्ट में, अब हमें इस फंक्शन को प्लॉट करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफिकली फिर हमें देखना है कि माइनस वन के करीब फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है और फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है, ये हमेशा हमें आउटपुट में पॉजिटिव नंबर देता है। वो इस वजह से, अगर आप इसकी डोमेन पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर आप इसकी डोमेन में नेगेटिव नंबर ले लेते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस एक्स। एक माइनस यहाँ से, एक माइनस ये वाला, तो अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की। अब इसको ज़रा इसके साथ मिला के देखें तो देख लेते हैं क्या बनता है। अच्छा, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, लिखा जा सकता है ना यूजिंग द फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। चलें अब ज़रा हम इसको इसके साथ मिला के देखते हैं। ओके, तो हमारे पास बनेगा जी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू
दो पार्ट हो जाएंगे फंक्शन के, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अलग हो जाएगा और लेस देन ज़ीरो के लिए आपके पास अलग पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा जी x प्लस वन टाइम्स x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, कब, व्हेन ओवर x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। और ये चीज़ इक्वल किसके आ रही है, x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x प्लस वन के इक्वल आ जाएगी, बट इस x माइनस वन की वजह से ये आपके पास x इज इक्वल टू वन के लिए डिफाइन नहीं होगा, यानी ये जो आपके पास पार्ट है ग्रेटर देन ज़ीरो वाला, ये वन के अलावा बाकी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। ठीक है, चलिए इसी तरह से सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, इस मरतबा आ जाएगा ये माइनस एक्स बनेगा, दिस वन वो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, यानी आप इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वन। अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट होने के बाद एक ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वन माइनस एक्स, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और ये डिफाइन है फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में ये एक्स प्लस वन आ गया, डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस वन लगाते हैं तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस वजह से सेकेंड पार्ट लेस देन ज़ीरो के लिए है बट अदर देन माइनस वन। ठीक है, तो इस ग्राफ का अब हमने प्लॉट करना है। सो लेट्स से हमारे पास हम वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज़ वन, दिस इज़ नेगेटिव वन, ये एक्स एक्सिस पे वन है, दिस इज़ लेट्स से ओवर टू एंड सो ऑन। ठीक है, दो ग्राफ चाहिए होंगे, एक्स प्लस वन का और वन माइनस एक्स का। एक्स प्लस वन का जब चाहिए जब व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये अगेन स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो x का पॉजिटिव पार्ट है उसके लिए ये ग्राफ बन गया विच रिप्रेजेंट्स बेसिकली x प्लस वन, और वन माइनस एक्स के ग्राफ के लिए आपको लेफ्ट साइड पे आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए है और ये बेसिकली है वन माइनस एक्स, बट इसमें आपने एक चीज़ ख्याल करनी है कि ये वाला जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली वन पर डिफाइन नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वन पर आपके पास होल आएगा, बाकी इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और ये जो नेगेटिव वाला है ये माइनस वन के अलावा बाकी नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो माइनस वन पर ये होल नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस वन नॉट इक्वल टू माइनस वन फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, ये ज़ीरो है ना, तो लेस देन के लिए माइनस वन के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी सब के लिए डिफाइन है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि जैसे ही आप माइनस वन को अप्रोच करें लेफ़्ट से या राइट से, फंक्शन जो है वो आपका टू के करीब जा रहा है। लेफ़्ट से करेंगे फिर भी टू का अप्रोच हो रहा है, ये राइट से था सॉरी, ये लेफ़्ट से करेंगे तो भी टू को अप्रोच हो रहा है, राइट से भी टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो सी पार्ट वैसे यहीं से भी आप देख के कर सकते हैं, अदरवाइज उसने कहा होगा अलजेब्रिकली फाइंड करें, तो सी पार्ट फाइंड करने के लिए बेसिकली उसमें हमें माइनस वन पर लिमिट चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन। ठीक है, अब देखें हमारे पास बेसिकली हैं दो फंक्शंस, यहाँ से थोड़ा सा काम आपने थोड़ा सा समझना है कि दो फंक्शंस हैं, एक है ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, दूसरा है लेस देन ज़ीरो के लिए, हमें लिमिट चाहिए माइनस वन के लिए, तो हम ये वाला पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, वन प्लस एक्स वाला पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसकी सिंपल रीज़न है क्योंकि हमें नेगेटिव रियल नंबर्स में माइनस वन आ रहा है ना, तो जिस वैल्यूज़ में माइनस वन आ रहा है हमें वो फंक्शन चाहिए, और ये फंक्शन आपको मैंने बताया था ऊपर लिखा भी भाई ये वन माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऊपर वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है वन माइनस एक्स को, और यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस वन पुट किया तो वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन इज़ इक्वल टू टू। तो अलजेब्रिकली भी आपने देखा कि हमारे पास फंक्शन आपका टू का अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आप माइनस वन के करीब जा रहे हैं। ठीक हो गया, ओके, तो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 72 पर, जो कि कह सकते हैं कि उसके सिमिलर ही है। ठीक है, 72 में आप सबसे पहले तो वैल्यूज़ लेंगे, बेसिकली इसमें हमें अपने फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स को लिमिट वैल्यूएट करनी है उसकी माइनस टू पर, मतलब माइनस टू को अब हमने अप्रोच करना है फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स। ठीक है, तो लेट्स से जी हम टेबल सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, माइनस टू को हम पहले अप्रोच करते हैं लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट साइड, माइनस टू पॉइंट वन,
देन वी हैव माइनस 2.01, मज़ीद करीब जाएंगे तो -2.001, एंड देन वी हैव लेट्स से -2.0001। कुछ और वैल्यूज़ भी आप आगे ले सकते हैं, बट चलें इन वैल्यूज़ को आप अपने फंक्शन में रखें। अगेन दिस इज़ नॉट एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इस चीज़ का ख्याल करना आपने, मैटर तो नहीं करता लेकिन फिर भी। तो बहरहाल -2.1 पर आपका फंक्शन वैल्यू दे रहा है जी -1.1, -2.01 पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है -1.01, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे -1.001, एंड देन वी हैव -1.0001। ठीक है, तो खैर -1 के ये करीब हो रहा है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसी तरह -2 को अब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, उसके लिए आप पॉइंट्स ले सकते हैं -1.9, -1.99, एंड देन वी हैव -1.999, एंड देन -1.9999। तो इन पर जब आप फंक्शन अपने वैल्यू फाइंड करेंगे, ये फंक्शन है x²+3x+2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x, तो आपका फंक्शन जो है वो वैल्यू देगा इस पॉइंट पर -0.9, देन वी हैव -0.99, एंड देन -0.999, देन -0.9999। तो अल्टीमेटली -1 की तरफ ही जा रहा है, चाहे आप -2 को लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से करें, आपका आंसर -1 के करीब जा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली देखने के लिए हमें इसका ग्राफ चाहिए होगा, तो उसके लिए वंस अगेन हमें अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x²+3x+2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एग्जैक्टली सेम काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो हमारे पास बनेगा x+2, ऊपर फैक्टराइजेशन करने से x+2 मल्टीप्लाई x+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और इसी तरह से इसका एक नेगेटिव पार्ट होगा x+1 दिस डिवाइडेड बाय 2+x। ठीक है ना, ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस फॉर x<0>। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू -2, ये भी याद रखना है। एक्चुअली वैसे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा 1+x। तो अब हमें इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ को बेसिकली प्लॉट करना है। ठीक है, एक आपके पास है x+2 मल्टीप्लाई x+1 डिवाइडेड बाई x-2, और सेकंड आपके पास बन रहा है जी ये कैंसिल आउट होने के बाद x+1 फॉर x<0>। ठीक है, चलिए क्योंकि हमें इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है, इनफैक्ट पॉइंट कौन से पॉइंट पर, -2 पर। ठीक है, तो बाय द वे अगर आप इसमें -2 पुट करते हैं ना, -2 अपने ओरिजिनल फंक्शन पुट करते हैं, तो आंसर 2 बन जाएगा, और 2-2 इज़ एक्चुअली अनडिफाइन होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ 2 पर भी आपका फंक्शन अनडिफाइन होगा, वो क्यों, 2 पुट करने से भी आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, -2 पुट करने से याद रहे आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर -2 लगाते हैं, ऊपर भी आपके पास 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। लेट्स से दिस इज़ ओवर -2। ठीक है, तो बहरहाल इस क्वेश्चन में जैसे आपको मैंने बताया, इसके दो पार्ट्स बनेंगे। 2 पर फंक्शन आपका एग्जैक्टली अनडिफाइन हो रहा है, तो 2 पर हम ये एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ठीक हो गया, बाकी का जो ग्राफ बनेगा ना, वो मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दे देता हूँ। वो होगा कुछ इस तरह से जी, दिस वन, और बाकी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से, एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है। अब आप ग्राफिकली देखें, हमें चाहिए -2 पर इसकी लिमिट, कहाँ पर चाहिए, -2 पर लिमिट चाहिए। और अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो इनफैक्ट -2 जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है ना यहाँ से गलत बन गया, तो एक मिनट दोबारा हम प्लॉट कर लेते हैं।
ठीक है, तो बेसिकली माइनस टू पर जो है वो आपका ग्राफ होगा अपने एक्स एक्सिस के नीचे की जानिब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ओके लेट मी रीप्लॉट इट, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली अब माइनस टू पर आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस वन की तरफ जा रही है। बेशक आप माइनस टू को लेफ्ट से अप्रोच करें या फिर इसको आप राइट से अप्रोच करें, अल्टीमेटली इन बोथ केसेस आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस वन आ रहा है। ठीक हो गया। ओके, इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट में हमें अलजबरिकली इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। बहरहाल ये ग्राफिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आप ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जस्ट लाइक डेस्मोस जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था उसकी मदद से, या कोई भी और सॉफ्टवेयर हो आप उसकी मदद से प्लॉट कर सकते हैं। राइट, तो इन ओवर थर्ड पार्ट हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है एक्स अप्रोचेस माइनस टू, फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। और इसके लिए अगेन हमारा फंक्शन दो हिस्सों में बट चुका था, हमें कौन सा हिस्सा यूज़ करना है, ग्रेटर देन जीरो वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि माइनस टू पर लिमिट ले रहे हैं और ये माइनस टू तो लेस देन है जीरो से, इस वजह से ये नेगेटिव वाला हम पार्ट यूज़ करेंगे। और नेगेटिव वाले पार्ट के लिए हमारे पास आंसर बन रहा है दिस वन इज़ बेसिकली एक्स प्लस वन, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे ना, तो पीछे बचा एक्स प्लस वन। इस फंक्शन की हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है, तो एक्स प्लस वन एक्स की जगह पर माइनस टू प्लस वन, अल्टीमेटली आपका आंसर बन गया नेगेटिव का वन। तो आपने अलजेब्रिकली भी देख लिया आपके पास लिमिट जो है वो माइनस वन बन रही है। ठीक है, दिस इज़ ओवर क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ 73, इसमें भी हमें एग्जैक्टली सेम काम करना है और इस मरतबा हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है ज़ीरो पे, तो हमें ज़ीरो के लेफ्ट और राइट से कुछ वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी पड़ेंगी। ठीक है, थीटा इनपुट है, जी ऑफ थीटा जो है वो आपके पास आउटपुट है। तो थीटा की कुछ वैल्यूज़ हम पहले ले लेते हैं अपने राइट से, 0.1 ले सकते हैं आप, 0.01 ले लीजिए, देन 0.001, 0.0001 एक और वैल्यू चले ले लेते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ पर अपना फंक्शन साइन थीटा ओवर थीटा वैल्यूएट कीजिए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वो आंसर आपके पास बनेंगे माइनस 0.998334। 0.01 पुट करने से आ रहा है जी 0.999983, 0.001 पुट करने से आ रहा है 0.999, 5 दफ़ा 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 5 टाइम्स 9 आ रहा है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है 0.99999। ठीक है, तो ये 1 के करीब करीब जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आप थीटा 0 के करीब लेके जा रहे हैं आपका आंसर 1 के करीब जा रहा है। इसी तरह जब आप अपने 0 को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, मतलब आप माइनस 0.1 ले लें, माइनस 0.01 ले लें, माइनस 0.001, माइनस 0.0001 एक और भी ले सकते हैं, खैर तब भी आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर बनेंगे। इसके लिए आपके पास जी ऑफ थीटा बनेगा माइनस 0.1 के लिए 0.998334। क्यों सेम आ रहा है ये देखें, साइन थीटा ओवर थीटा है, साइन में जब नेगेटिव 0.1 लगाएंगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, नीचे से भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके अल्टीमेटली यही वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, तो सेम इन्हीं को नीचे उतार लें ज़रा, ये आ जाएगा 0.999983, आगे सेम वैल्यूज़ हैं 0.999999, 5 टाइम्स 9 आ रहा है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होगा। अल्टीमेटली दोनों की तरफ से अप्रोच करने से आप वन को वन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने टेबल की मदद से देख लिया। अब किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने इस फंक्शन का प्लॉट करते हैं साइन थीटा ओवर थीटा को, साइन थीटा ओवर थीटा को आप इजीली देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ, बल्कि उससे पहले हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ पाई, 2 पाई, 3 पाई,
4 5 तक ले लेते हैं। चलें इसी तरह से लेफ्ट साइड पर माइनस का पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5। यहाँ पर बल्कि हमें मेंशन भी करना चाहिए, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड देन वी हैव 5 पाई। एग्जैक्टली यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 एंड देन वी हैव माइनस 5 पाई। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास है 1 वाई की। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा जी, ये रफ स्केचिंग है। पाई से 2 पाई तक नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर की जानेब, फिर नीचे, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से एग्जैक्टली सेम ग्राफ आपका लेफ्ट साइड पर भी होगा। ठीक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ओके। देखिए माइनस पाई से 2 पाई तक थोड़ा डीप जा रहे हैं, जैसे ही आप ऊपर की जानेब जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मज़ीद और क्लोज़ हो जाएगा अपनी लाइन के, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये मज़ीद क्लोज़ हो जाएगा। कुछ रफली स्केचिंग इस तरह से हो रही है। तो बहरहाल वी आर इंटरेस्टेड इन पॉइंट ज़ीरो, ज़ीरो का भी देख सकते हैं, लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से करें, आंसर आपका दोनों केसेस में 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास आंसर जो है 1 आ रहा है। बाय द वे अगर आप एग्जैक्टली ज़ीरो पर देख रहे हैं ना, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो वो आप यहाँ पर होल लगा सकते हैं, क्योंकि वो 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली आंसर जो है वो 1 के करीब ही जा रहा है इन बोथ केसेस। ठीक है, ये तब है जब आप रेडियन मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करना है, चूंकि पाई 2 पाई 3 पाई लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह फंक्शन चेंज है। कैपिटल जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टी डिवाइडेड बाई टी स्केयर। तो अगेन हमें 0 पे इसको देखना है, और सबसे पहले क्योंकि टी इनपुट है, एक टेबल बना लेते हैं और ज़ीरो को लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करते हैं। लेट्स से जी 0.1, 0.01, 0.001, देन 0.0001, इतना ही काफ़ी है। और फिर हम लेफ्ट से अगर आप वैल्यूज़ लें तो दिस इज़ ओवर टी, दिस इज़ इमेज जी ऑफ टी, वो वैल्यूज़ आ जाएंगी -0.1, -0.01, -0.001, देन -0.0001। और इनके जो इमेजेस हैं, इनकी वैल्यूज़ हैं, अपने फंक्शन में पुट करने से, 1 माइनस कोस टी ओवर टी स्केयर में लगाने से, वो आपके पास बनेगी 0.499583। 0.01 पुट करने से बनेगी 0.499995। अच्छा, इस वैल्यू को पुट करने से बनेगी 0.4999, दैट्स इट। और इसको पुट करने से कोई अप्रोक्सीमेटली बनेगी 0.5। ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाएं, -0.1 से भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आएंगी जो ऊपर आई थी, 0.499583। फिर -0.01 पुट करने से 0.4995, और -0.001 पुट करने से आपकी वैल्यू बनेगी 0.49999, और ये वैल्यू पुट करने से बनेगी प्लस का 0.5। तो अल्टीमेटली 0 के करीब जा रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5, 1/2 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस 0 कैपिटल जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.5, 1/2। ठीक है, चलें अब इस चीज़ को हम ज़रा ग्राफिकली देख लेते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना चाह रहे हैं ना, थोड़ा मैं इसको जूम इन करके प्लॉट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू सी अब एक्चुअली पॉइंट ऑन ज़ीरो, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। लेट्स से जी एक वैल्यू, तीन वैल्यूज़ मैं अपने एक्स पे राइट पे और 3 लेफ्ट पे ले रहा हूँ, और कुछ वैल्यूज़ हम अपने पास अपने y एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस वन, फॉर एग्जाम्पल जी दिस इज 0.0001, दिस इज 0.0002 एंड दिस वन वुड बी 0.0003। ठीक है, और ये एग्जैक्टली हम माइनस में ले लेते हैं,
माइनस 0.0003 और ये वाई एक्सिस पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। तो इसका ग्राफ बाय द वे स्ट्रेट लाइन तो नहीं हम कह सकते, बट जितना इंटरवल हमने लिया है ना माइनस 0.0003 से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये वैल्यूज हमने ऊपर कंसीडर भी की हुई हैं, तो इनके मुताबिक ये कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा, ठीक है। तो अपने इस इंटरवल के अंदर रहते हुए हमारे पास कुछ लगभग स्ट्रेट लाइन ही बन रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना, जैसे आप ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 आ रहा है। इसको हमने क्यों इतना डीपली लिया है, क्योंकि हम एक्चुअली देखना चाह रहे थे कि हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है एग्जैक्टली ज़ीरो पर। अगर हम इधर वैल्यूज़ बड़ी बड़ी ले लेते ना 1, 2, तो फिर हमें ये सही से पता नहीं चलना था, इसका ग्राफ की लुक ही कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ग्राफिकली भी हमने देख लिया कि ज़ीरो के करीब जाने से आपका आंसर आ रहा है 0.5। सो दैट्स इट, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे पास जो एक्सरसाइज जो है वो 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे 2.3 से, और 2.3 मेनली हमारे पास डेफिनेशन लिमिट की हम एक और तरह से पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने लिमिट की डेफिनेशन सीखी है, दिस इज़ एन इनफॉर्मल डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में प्योर मैथमेटिकल, जिसे हम प्रिसाइज डेफिनेशन कहते हैं, वो सीखेंगे, और उसके मुतालिक फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर से मुतालिक अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।